नंबर कन्वर्जन में आज हम देखेंगे कि किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वाइस वर्सा, यानी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हम सीखेंगे। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो 2 सेकंड में आप ये कन्वर्जन कर पाएंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान से समझना है और सीखना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है ना, वो 2 होता है। क्वेश्चन में आपको पहचानने के लिए कैसे पता चलेगा, आप देखेंगे इस पैरेंथेसिस के नीचे में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका रिजल्ट बाइनरी में आना चाहिए, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है ना, बेस नंबर होता है 8, ठीक है। यहाँ पे देखो बेस में 8 लिखा रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा। अभी आपको याद क्या रखना है, जो भी हमारा रेंज होता है ना ऑक्टल नंबर का, ऑक्टल नंबर का रेंज होता है 0 से 7, ठीक है, क्योंकि देखो इसका बेस होता है 8, तो 0 से 7 में ही 8 हो गया, ओके। अब एक सीरीज होता है, यानी एक फॉर्मूला होता है इस पूरे कन्वर्जन को कंप्लीट करने के लिए, डन करने के लिए, इसी का यूज़ करके हम नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से ऑक्टल और वाइस वर्सा। सीरीज है 1, 2, 4। आप कहेंगे यही सीरीज क्यों, क्योंकि आपका जो रेंज है वो 0 to 7 है, यानी एंडिंग पॉइंट आपका क्या है, 7 है, तो आप इसको ऐड कर दो। अगर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा, 7 आ रहा। तो ऐसा क्या नंबर था जिनको ऐड करने से 7 आ जाए इस रेंज का एंडिंग पॉइंट, यही 3 नंबर था, इसीलिए यही हमारा सीरीज रहेगा 1 to 4। ये पूरा कन्वर्जन को कंप्लीट करेंगे हम इसी का यूज़ करके। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर 0, 1 के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले आप जो भी अपने क्वेश्चन में नंबर देखेंगे ना, आप उसको 3, 3 का पेयर में डिवाइड करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, 100 को लेंगे 3 का पेयर, उसके बाद फिर हम ये 3 नंबर को फिर से लेंगे। हमने नंबर को डिवाइड कर लिया 2, 2 के पेयर में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना सीरीज यूज करेंगे। हमारा सीरीज क्या था, 1, 2, 4, ये हमारा फॉर्मूला था। इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे 1, 2, 4, यहाँ पे भी 1, 2, 4। अभी जिस भी नंबर के नीचे, यानी 1 के नीचे जो भी नंबर है उसी को कंसिडर करेंगे। 1 के नीचे क्या है, 4 है, 1 के नीचे क्या है, 2 है, तो +2, और ये 0 वाला को इग्नोर कर देंगे, इसको हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 के नीचे क्या है, 4 है, 4 को लेंगे, 0 को इग्नोर कर देंगे। अभी यहाँ पे इसको ऐड करो, क्या हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे इसको 4 लिख लो, तो आपका जो रिजल्ट आया इस बाइनरी नंबर का ऑक्टल नंबर हो गया 64। यहाँ पे लिख दो 64, हमने कन्वर्ट कर दिया, ओके। अभी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे पहला काम आपका यही होगा, तो यहाँ पे 110, फिर हमारा हो गया 110, उसके बाद लास्ट में देखो सिर्फ 1 बच रहा ना, 1 लिखेंगे, इसके आगे 2 0 हम अपने से ऐड कर लेंगे। नंबर के आगे में ऐड करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा सीरीज होता है 1, 2, 4 ना, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4। 1 के नीचे जो नंबर है उसको हम कंसिडर करेंगे, 1 के नीचे नंबर है 2, उसके बाद 1 के नीचे नंबर है 1, तो +1, उसके बाद 1 के नीचे नंबर है 2, 1 के नीचे नंबर है 1, तो +1, तो यहाँ पे हो गया 1, 3, 3। तो इस बाइनरी नंबर का ऑक्टल नंबर हो गया 1, 3, 3, यहाँ पे लिख दो 1, 3, 3। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर को इजीली ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 to 4 सीरीज का यूज़ करके। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 1011 है। सबसे पहले हम 3 को अलग करेंगे, 110, उसके बाद हमारे पास बचा सिर्फ 1 बचा ना, तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे। अभी इस 1 को भी हम क्या करेंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे, तो 00 इसके आगे में ऐड करेंगे। ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो सीरीज है, हमारा सीरीज है 1, 2, 4, हम इसका यूज़ कर रहे हैं ना, इसीलिए हम यहाँ पे 2 अपने से ऐड कर लिए, ताकि ये सीरीज को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें। अभी यहाँ पे लिखो 1, 2, 4, 1, 2, 4। 1 के नीचे जो नंबर है सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे, बाकी सबको इग्नोर, यहाँ पे 0 को इग्नोर कर दो। 1 के नीचे जो नंबर है उसको कंसिडर करेंगे, 1 के नीचे नंबर है 1 +1, यहाँ पे हो गया 1 और 3। तो इस बाइनरी का ऑक्टल हो गया 1, 3, यानी 13। अभी आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने करके दिखाया। ये आपका होमवर्क है। आप क्या करिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे कमेंट में इनका आंसर शेयर करिएगा।
हम आपको आंसर कमेंट में बता देंगे, आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप सही किए कि नहीं। अब चलिए हम क्या करते हैं, ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। 64 ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने नंबर के दोनों डिजिट को अलग अलग इस तरीके से लिख लेना है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये सीरीज है 1, 2, 4, यहाँ पे लिखना है 1, 2, 4। अभी आप देखो हमारे पास नंबर क्या है 6, तो इस सीरीज में हम क्या नंबर ले कि हमें 6 मिल जाए, तो अगर हम इस 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, तो इनके नीचे हम क्या करेंगे 1 वैल्यू पुट कर लेंगे, इस 1 के नीचे 0 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 और 2 को ऐड करने से 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर क्या है 4, तो इस सीरीज में हम कितना नंबर को ले कि हमें 4 मिल जाएगा ऐड करने से, सिर्फ और सिर्फ 4 को कंसिडर करने से 4 मिल जाएगा, 4 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी इनके नीचे हम क्या लिखेंगे 0। अभी हमारा ये पूरा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, इसको हम लिख लेंगे अपने यहाँ पे 110100, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम उसी नंबर, उसी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं वीडियो को पीछे करके। 133 है, इसमें क्या करेंगे, तीनों नंबर यानी तीनों डिजिट को सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद हमारा सीरीज 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, ये सीरीज हमने लिख लिया। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो हम सिर्फ इस 1 को कंसिडर करेंगे, बाकी को 0 ले लो। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 2 और 1 को ऐड करने से 3 हो जाएगा, इनके नीचे 1 ले लो, इसको 0 कर दो। यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए, इनके नीचे 1 ले लो, इसको 0 कर दो। अभी हम क्या करेंगे, जब रिजल्ट लेंगे तो हम इतना को कंसिडर करेंगे, इसके आगे जो 2 0 है ना इसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का आगे कितना भी 0 रहे वो वैलिड नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 1011, उसके बाद 011, तो 133 का बाइनरी यही होता है। इससे थोड़ी ही देर पहले हमने इसी बाइनरी को कन्वर्ट किया था ऑक्टल में, तो 133 आया था, आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी 37 है, इसको कैसे करेंगे, इस ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे करेंगे, सबसे पहले 7 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। हमें क्या चाहिए, हमारा सीरीज है 1, 2, 4, 1, 2, 4, हमें 7 चाहिए ना, तो हम इस सीरीज को अगर ऐड कर देंगे, तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पे तीनों नंबर के नीचे हम 1 लिखेंगे, ठीक है, मान लो ऐड कर रहे हैं, ऐसे समझाने के लिए लिख रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए ना, 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, इनके नीचे 1 लिख दो, इसको 0। अभी रिजल्ट हमारा सिर्फ इतना है, आगे का 0 को इग्नोर करना होता है, ठीक है। 5 times 1, 37 का बाइनरी हो गया 5 times 1। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है 28, तो ये क्वेश्चन इनवैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रेंज क्या होता है, रेंज होता है 0 से 7 ऑक्टल नंबर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 28, तो यहाँ पे 8 है, आपका जो नंबर होगा ना वो 0 से लेके 7 तक ही होगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना ही नंबर को आप ऑक्टल के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप 8 और 9 अगर आपको दिखा क्वेश्चन में, 8 और 9 दिखा मतलब वो आपका इनवैलिड क्वेश्चन है, उस ऑक्टल नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 28 को नहीं कर सकते, 26 को कर सकते हैं हम, 29 को भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 9 है, हमारा रेंज है 0 से 7, ठीक है। अभी चलो हम आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको क्या करना है, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, 56 ऑक्टल नंबर को बाइनरी में आप कन्वर्ट करिएगा, इसका रिजल्ट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 80 हमारा ऑक्टल नंबर है, तो इसका बाइनरी क्या होगा कन्वर्ट करने पे, और 32 ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके इन सभी का रिजल्ट आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देना है। हम क्या करेंगे, चेक करके आपको बता देंगे वो सही है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।